सिद्धेभ्यः कारुणमुकारं अरिंकारं तन्यसीतां आयुर्वज्रायणं अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, देवादेव देवी खजराज श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरु हरिषित सागर जी महाराज की, तीन कम्म कोटि महामंडराजों की, बहुबंधु पर्व जीवन में आनंद की वृद्धि हो इसलिए आते हैं। हमारी भावनाएं विशुद्ध हो पर्व इसलिए आते हैं। हम जो दूर दूर थे वो पास पास हो जाएं पर्व इसलिए आते हैं। हमें लगता है, कई लोगों को लगता है कि ये पर्व जब आते हैं तो लोग ज्यादा धर्मात्मा हो जाते हैं। ऐसा लगता है जब पर्व आते हैं तो लोग ज्यादा धर्मात्मा हो जाते हैं। बैठ जाओ भैया। जब पर्व आते हैं प्रभात जी, लोग ज्यादा धर्मात्मा हो जाते हैं। पर्व जाते ही लोगों का धर्म समाप्त। बड़े बाबा भी सोचेंगे कल क्या भीड़ थी, आज वो दो चार पुराने चेहरे हैं। कारण कुछ और है। जो उत्तम में जीता है वो बड़ा कठिन है, जो जगन्न में जीता है वो मार्ग भी कठिन है, मध्यम में जी लो। महाराज के पास आए सुमहाराज महाराज, और महाराज गए तो फिर सब समाप्त। फिर वो हलवाई वाले महाराज दिखते हैं। विषय समझना, विषय ये है सुदेश भैया, विषय ये है कि मध्यम मार्ग में जीना प्रारंभ कर दो। धर्म ना अधिक करो ना कम करो, जैसा आज है ऐसा हर दिन करो। पारस भैया, अभी हम सोच रहे थे कि आदित्य सागर जी सबके दिन एक से नहीं होते। कभी इसी मंच पर किनारे बैठते थे, आज लोग पूछ रहे हैं, पहले कोई पूछते नहीं था। कहां बोले हाँ तो बैठे तो रहने दो, धूप लग रही थी बोले हाँ एक चादर और डाल दो। क्यों सुन पारस भैया, ये वही मंच है, आप यहां बैठे थे जहां दादाजी बैठे उसे कहीं नीचे खिचड़ी छुड़वाई दिया जाते हैं। क्षमा करना, आज क्षमा मांग ले रहे, हमें कहा था पीछे से खिचड़ी खूब खाते हैं। हमसे भी किसी और ने कहा था तो हमने कह दिया, यद्यपि वो बुरा लग रहा हो लेकिन अच्छा था। हा? आपने इस बात पर छोड़ी कि गुरु ने कहा है, अब आज राग तो बचा है क्या, नीचे गया, खिचड़ी में की याद तो नहीं आती, नहीं आती। आज बड़ा अच्छा दिन है, सुबह से धूप इसलिए थी कि भगवान का अभिषेक हो जाए। बोली जल्दी करना, हमसे बोलना नहीं। ये पर्व हमारी भावनाओं को विशुद्ध करने के लिए आते हैं। बहुत सारे शिवरात्रि यहां पर बैठे हैं, मेरी भावना का पाठ कर लिया ना, एक चंद जगह पढ़ के बताना। घर घर चर्चा दुष्कृत दुष्कर, घर घर चर्चा
हे भगवान, मेरी ये भावना है कि घर घर चर्चा रहे धर्म की। पारस भैया जयंती कह रहे थे, महा जी शिविर तो चातुर्मास चालू हो और शिविर चालू कर देना चाहिए। मुझे अलग ही धर्म का माहौल हुआ था। कहाँ है जयंती बेटा? कहीं पे है भैया? कौन सा उपवास है? देखो भैया छोटे छोटे बच्चे, जयंती कौन सा उपवास है? छठवा उपवास है। कुछ दस उपवास कर रहे हैं, कोई नौ उपवास कर रहा, छोटे छोटे बच्चों का आज उपवास है। एक शिवरात्रि ने अपने 10 साल के बच्चे ने अपने फॉर्म में शिविर के पेपर में लिखा, अनुभव हमने जीवन में कभी एक आसन नहीं किया, हमने 9 एकासन और 1 उपवास किया है। भावनाएं विशुद्ध होना पर्व इसके लिए है, घर घर चर्चा रहे धन की नहीं। घर घर चर्चा धर्म की रहेगी तो धर्म की रहेगी तो समाज एक रहेगी, और धर्म की चर्चा नहीं हुई समाज बिखर जाएगी। इसलिए मिलन भी कहाँ है भैया? जितने पंच हैं हमारा ये कहना है, या लगार लगी रहे, एक भगवान की बेदी चांदी की बने दूसरी चालू कर देना। और समझो एक साधु गए तो दूसरे को पहले से व्यवस्था रखना कि आसपास कराएं लघार बनी रहे। और पारस भाई छोटा सा बैनर बना के आप मंदिर के आसपास के बाहर बहुत दीवाल है ऊपर धर्मशाला प्रवचन करते वहां लगा देना, सत्वेश मैत्रिम गुणेशु प्रमोदम इष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। हे भगवान मेरी यही भावना बनी रहे। कितने लोगों को सदगति में जाना, एक बार मन से हाथ उठाना, ईमानदारी सदगति में जाना है। बंटी तुम अकेले मिलना रहे दो, सामूहिक सभा है, ईमान नहीं सदगति में जाना ना, इस सूत्र को अंदर उठा लेना बंटी भैया, कुछ नहीं सत्वेश मैत्री। ऐसा कोई जीव ना बचे जिसके बचे मैत्री का भाव ना बचे। यश बेटा छोटे से बच्चा क्यों ना हो और बड़े बुजुर्ग अपने पारस भैया के पापा क्यों ना हो। दादाजी ठीक हो? घूमाए नागपुर? अबे भैया घूमाए नागपुर? सुनो भैया सत्येषु मैत्रीम की भावना रहेगी तो जी को कष्ट तो आते हैं, लेकिन जितनी गति से आते हैं उतनी अधिक गति से जाते भी हैं। सत्येषु मैत्रीम, अनिकेत ने कर लियो पास तो यशु के रहो हो कर लिंदो, 11वें दिन तो होटल नहीं मिलते हैं। नहीं नहीं जो वर्तमान काल चल रहा है तुम उसको देखो ना, भूत को ना भविष्य को। नीलन भाई भूत भविष्य को मत देखना, प्रदीप भैया भूत भविष्य को मत देखना, जो निकल चुका है वो बीता हुआ कल है, हमारे हाथ में है नहीं। जो कल आने वाला है वो भविष्य का है, हमने देखा है नहीं, वो भी हमारे हाथ में नहीं। आज को विशुद्धि के साथ जी लो, क्योंकि आज है तो ही अच्छा कल है। माँ भावनाओं को विशुद्ध करने का समय है। सत्येषु मैत्रीम पारस भैया किस पर? सत्येषु मैत्रीम, ऐसा कोई प्राणी शेष न बचे जिसके प्रति मैत्री ना हो। गुणेषु प्रमोदम, जो गुणी जन है अक्षय भाई, गुणी जनों के प्रति प्रमोदित भाव तो होना चाहिए। गुणी जनों के प्रति प्रमोदित भाव नहीं है तो तुम सज्जन की श्रेणी में नहीं। पारस भी हम देख रहे थे, किसी ने कुछ बोला किसी ने कुछ बोला, प्रदीप भैया जब दूसरा दान देता है तो हर कोई ताली नहीं बजाता है। पक्की पक्की बात रखना प्रियांश, जब कोई दान दे और हर कोई ताली बजाए जरूरी नहीं। कुछ लोग तो इसलिए बैठते हैं भैया हाउ तो दे लेने तो का है, हाउ तो दे लेने तो का है। भैया मेरे प्रियांश तुम देखना, हम अनुभव करते हैं, किताबें तो पढ़ते हैं लेकिन अनुभव ज्यादा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे रहे, क्यों?
बोले हम अनुमोदना कर लेंगे, हमारी सदगति नहीं हो जाएगी। पारस भैया अनुमोदना कर लेंगे तो कहीं सदगति तो नहीं हो जाएगी? नहीं भैया, चाहे कोई एक का सिक्का भी क्यों ना दान दे, कोई एक घंटे का भी त्याग ना करे, अनुमोदना इतने मन से करना कि कृत वाले से ज्यादा पुण्य तुमको मिल जाए। ऐसे अपन आश्रम में बैठे थे शाम को 5 बजे वृद्ध आश्रम में, वो अम्मा की 200 रुपए की चांदी तुम्हारे लिए फलित हुई है। आनंद गुरु बुद्धि विशेषता, हमने तो यही सीखा है गुरु बुद्धि विशेषता। और नरेश भैया जब गुरु बुद्धि से नहीं चल पाए, अब भैया दुर्बुद्धि से ही चलेगा, उसके लिए सुबह हमने सूत्र कहा था विनाश काले, बोलो जमके विनाश काले, और कल सबकी कोई छुट्टी नहीं। अभी शिविर खत्म थोड़ा ना हुआ, जितने शिविरार्थी है हमारे घर के लोग जब तक बैंड से लेने आएंगे हम किसी को भेजेंगे नहीं। अब अनंत पिताजी लेने नहीं है तो हम रख लेंगे, और उनसे बोलते ना कल प्रवचन के बाद कई टाइम है, उसके बाद जमा हो जाएंगे सब, समझ गए? गुण सुप्रमोदम, गुरु जन हो तो प्रमोदित भाव रखना, क्लिष्टे सु जीवे सु कृपा प्रतुम, जो बेचारे दुखी है कष्ट में है रोग शोक ग्रसित है कृपा प्रतुम, उनके प्रति कृपा का भाव दया का भाव रखना भी है। सेवा करने में चूक में नहीं पा रहे हुआ, छोटी सी चिड़िया को मत देखना, आप तो देखना जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य है। मिलन भैया हमारी तरफ से जिज्ञासा है, सुदर्शन दादा है क्या कहीं बैठे? दादा हमारी तरफ से एक जिज्ञासा है, व्यक्ति से गलती हो जाए तो क्षमा करना चाहिए कि फांसी पे चढ़ाना चाहिए? अगर वो गलती स्वीकार रहा है तो क्या करना चाहिए? हैं प्रदीप भैया उसको 2 डंडे और मारना चाहिए ना? नहीं ऐसा नहीं है। धनु भैया क्या बोलते हैं आप? कोई गलती कर दे वो गलती स्वीकार रहे हैं तो क्या करना चाहिए? अभी क्षमा वाणी आएगी, सब गले मिलके क्षमा मांगना, बोले भैया आज तक का हिसाब खत्म, कल फिर से चालू। क्यों सुनो, किसी से गलती हो जाए और क्षमा मांग रहा हूं तो क्या करना चाहिए? वाह क्या बात है, ये कह रहे क्षमा करना चाहिए, इनका नंबर आए तो बोले भाई तुरंत क्षमा करो, और यशु ने गलती करी तो कर भैया नहीं, अब हम न्यायाधीश है, अपनी गलती हो तो वकील और दूसरा गलती करे तो नहीं भैया। क्लिष्टे सो जीवे सो कृपा परतम, कोई जीव दुखी हो भैया, कोई जीव दुखी हो उसकी सहायता करना मदद करना। आपके पुजारी मंदिर के ठीक हो गए ना? ठीक हो गए? नहीं हुए? अभिषेक बेटा केवल पूजा अभिषेक करना धर्म नहीं है, जीवो के प्रति दया भाव रखना भी धर्म है। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्त, अंत में कह दिया भैया अब कोई नहीं सुधरे तो माध्यस्थ भाव, हम कहां कहां सिर फोड़ेंगे, हम कहां कहां जाएंगे, इतना सा समझ में आ जाए प्रभात भैया अगर। ओ भैया प्रभात सेठ समझाओ, जब तक कोई मान लो तब तक समझाओ, जब तक अपनी समझ खराब नहीं हो रही तब तक समझाओ, नहीं तो मध्यस्थ भाव हो जाओ, मध्यस्थ भाव हो जाओ, और कहीं ज्यादा समझाने में लग गए और तुम्हारी समझ अगर कहीं बिगड़ गई तो उसकी तो पता नहीं, अपनी दुर्गति जरूर हो जाएगी। आनंद भैया हम लोग सब सामूहिक बैठे थे साधु लोग, जयपुर की बात है, स्वाध्याय चालू हुआ, और जब स्वाध्याय चालू हुआ एक स्वामी जी भड़क गए, अरे उनका तो भैया पार 108 के पार थर्मामीटर खत्म, हमने तो वही पिछी उठाई जावाणी के ज्ञान से नमोरी दानंद शुद्ध भक्ति करी अपने बाप, बोले कहाँ जा रहे हो? हमने भी अब 7 सभा खत्म हो गई है, अब जनरल सभा चालू है, अब हम जा रहे हैं। जहां जिनवाणी है वहां साधु पुरुष है, जहां जिनवाणी नहीं है वहां साधु पुरुष बैठते नहीं। क्यों? मध्यस्थ भाई मेरा आपसे कोई बैर नहीं है,
आपके परिणाम नहीं सुधर रहे, कहीं आपके साथ रह के मेरे ना बिगड़ गए, तो ये हम जा रहे हैं। अब भैया सब शांत हो गए, बोले नहीं महाराज जी बैठो स्वाध्य कर रहे। माध्यस्थ भावम, बोले जरा माध्यस्थ भावम। आज सभी से विरारती है, कल सब रंग बिरंगे फिर मिलेंगे, कोई 10 दिन में पहली बार दिखा था, कोई 10 दिन बाद दिखे गई नहीं। क्या करोगे पारस भैया? चर्चा नहीं करना। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम, माध्यस्थ भाव रखना भैया, जो हमारी भावना है वो पूरी कर देना। अब ये कर दोगे राजा भैया? करोगे आप लोग? कर दोगे आप? एक भावना में पूरी कर दोगे? वैसे जैन दर्शन में गुरु दक्षिणा नहीं मांगते, आज हम इच्छा कर दे दोगे कितने मिल जाएंगे? मां आप नहीं दे पाओगे, कोई सोने चांदी की अंगूठी नहीं मांगेंगे, वो सब कमेटी लगी टेंशन। एक भावना हमारी पूरी कर दोगे पक्का? सब कर सकते हैं। ये नफरत बुरी है, बोलो ये नफरत बुरी है। अरे बोलो तो, ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिल में क्लेश है निकालो इसे, दिल में क्लेश है निकालो इसे, न 13 न 20 न तारण श्वेतांबर, ये जैन धर्म है, बचा लो इसे। इतनी सी भावना है पारस भैया, ये मंच उतना ही भरा है जितना गुरुदेव के सामने भरा था। ये इस बात का प्रतीक है कि जैसे सोने के जनालय के शिखर अपने कीर्ति करा रहे हैं, समाज के अंदर भी उतनी प्रीति उतनी भक्ति साधुओं के प्रति आज भी है जितने पहले थी। यस, तुम्हारा झगड़ा अनंत से है, हम जो तुम नहीं, हमारे पास आ जाओ। रिंकू भाई तुम्हारा झगड़ा चंदन से है, हमसे तो नहीं है, बोले हमारे पास आ जाना। अरे कई जगह आर करने गए धनी भी हम लोग के, तो वहां क्यों गए? हमने भैया कसाई तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर नहीं है। संसार में तुम्हें रहना ही तो तुम कसाई पालो भैया, अपने अंदर नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है। आपको दिखती पांचों उंगली अलग अलग, हमको दिखती पांचों बराबर। आज समय बहुत अधिक हो गया पारस भैया, कल चर्चा करेंगे विशेष रूप से। जितने शिवरार्थ हैं भैया, साधना की ना, साधना दिखना चाहिए, पानी गिरे और ठंडक ना हो ऐसा नहीं। पानी गिरे तो ठंडक आती है ना, कहीं पानी गिर चुका है ठंडी हवा आ रही है, हमारा उपास और पानी ना गिरे ऐसा हुआ नहीं है। बंटी भाई और बताएं बात पारस भैया, मतलब ऐसा कह रहे, मतलब मुझे नायक जी बोले धमकी तो नहीं दे रहे भैया? नायक जी कोई धमकी नहीं, साधु ना धमकी देते ना श्राप, साधु तो अपने में रहता है भैया। हमारा मन जब तक अच्छा रहता है ना, सारा वातावरण अच्छा रहता है। जहां मेरा मन खराब होता है देखना, बहिरंग वातावरण खराब होता है। 2 दिन आपने देख लिया कैसा रहा। यसु बेटा, जब बड़ा तालाब हो, बड़ा समुद्र हो और पानी ज्यादा भरे तो बाढ़ सी आती है, कुछ छोटी सी नाली में हो तो कुछ नहीं होता। इतनी कहना है मिलन भैया, बस परिणामा की विशुद्धि बना के रखो। जब प्रतिनिधि जाए और निधि आए तो उनको लगना चाहिए हाँ कुछ तैयारी हुई है। जब आचार्य भगवान चौरे के पंचकर्ण के बाद सिवनी तरफ आएंगे कि लेके आएंगे हैं बंटी भैया, जब आचार्य भगवान इस तरफ आए तो उनको दूर से ही खुशबू आना चाहिए और दूर से ही एकदम ऐसा वातावरण होना चाहिए कि समझ जाए हाँ बड़े बाबा उच्च स्थान नहीं उच्चतर पर है। खुशबू तो आ जानी चाहिए उसकी, बाकी चर्चा कल करेंगे, समय बहुत हो गया। घर घर चल चर्चा रहे कर्म की नहीं, किसकी? हाँ मटर दाल छोले पूरी की नहीं मां, घर घर चर्चा, कम से कम मंदिर में धर्म की चर्चा कर लो, घर की तो ठीक ही है। दुखी रहे सब जीव जगत के,
गलत हो गया नहीं, नहीं पंचम काल के अनुरूप कह रहे तुरंत भी हम दुखी रहे सब, नहीं भैया सुखी रहे सब जीव जगत के। कल पंकज में बता रहे थे, बोले महाराज जी 80% केस तो भाई भाई और पड़ोसी के हैं। क्यों डॉक्टर साहब? भैया सुखी रहे सब जीव जगत के, कल चर्चा करेंगे, आज तो धारे थे भैया। इसको बासी धारे क्यों कहते हैं? तो बासी धारे क्यों कहते हैं तो बताओ ए? आज की ताजी है, मतलब पानी कल के लिए बचा के रखते क्या भैया? बासी धारे क्यों कहते कोई तो बताओ। हाँ देखो बासी धारे क्यों कहते हैं भैया? ये बासी धारे तुम्हें साल भर के पुराने जितने हिसाब किताब थे भावों के सब बासे, अब नया हिसाब चालू पुराना खत्म करके देना, इसलिए बासी धारे। पारस भैया कल बासी धारे करना और आखिरी में कल सोडा नबिया अब लकाई की, बोले साझी धारे अपने साझे साझे जीना। आप सभी भावनाओं को विशुद्ध करें, क्योंकि भावनाओं के कारण गति है, गति में भावनाएं हैं और उससे संसार है, भावनाएं तो संसार है और शुभ भावनाएं तो संसार का नाश है। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु विश्व सागर जी महाराज की। पारस भैया एक बैनर बनवा के लगवा देना, लालू से कब से कह रहे आप ही लगा देना, नफरत बढ़ी न पा दो इसे। सभी लोग बैठे रहे, फूल बाल की बुल्ली भोजन रह रही हूँ। शिवरात्रियों के लिए तो शिवरात्रि समय पर हॉल में पहुंच जाएंगे प्रतिक्रमण के समय। बंटी रजिस्टर बुलिए देवाधिदेव बड़े बाबा चिंतामणि पार्श्वनाथ विद्वान की